myself Prafull Kumar Tandon and I'm going to play the act of Swami Vivekananda. प्रेम ही जीवन का एकमात्र नियम है. वह जो प्रेम करता है जीवित रहता है और जो स्वार्थी है वह मर रहा है. इसलिए प्रेम के लिए प्यार कीजिए क्योंकि यह जीवन का नियम है. ठीक उसी तरह जैसे आप जिंदा रहने के लिए सांस लिया करते हैं. जीवन सुंदर है. पहले इस दुनिया में विश्वास करें. विश्वास करें कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अर्थ छुपा हुआ है. दुनिया में सब कुछ अच्छा है, पवित्र है और सुंदर है. आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अगर आप बुद्ध की तरह महसूस कर रहे हैं तो आप बुद्ध हैं. अगर आप मसीह की तरह महसूस कर रहे हैं तो आप मसीहा हैं. आपका विचार ही आपको महान बनाता है. आपका विचार ही आपको परमात्मा तक पहुंचाता है. दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको परमात्मा तक पहुंचा सकती है. एकमात्र विचार ही ऐसा साधन है जिससे आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं. आप अपने आप को मुक्त करें. कैसे कर सकते हैं आप अपने आप को मुक्त इस माया के बंधन से? आप यह समझें कि हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा विराजमान है. ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है. और जब आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े होकर बात करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके सामने परमात्मा ही खड़े हैं. स्वतः ही आपका मन हल्का हो जाएगा और माया मोह के बंधन से आप छूट जाएंगे. निंदा दोष का खेल मत खेलिए. निंदा करने वाले हमेशा पछताते हैं, परंतु अगर आपकी कोई निंदा करता है तो आप सहर्ष स्वीकार करें. क्योंकि निंदक नेरे राखी आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुखा. हमेशा दूसरों की मदद करें. मदद करने से आपको खुशी मिलेगी, आपको शांति मिलेगी. और जब आप सामने वाले असहाय को मदद करते हैं तो उसमें मौजूद आत्मा भी मुस्कुरा उठता है और आपको दिल से आशीर्वाद देता है. हम युवाओं को हमेशा अपनी आत्मा की सुननी चाहिए. जब भी हम अपने दिमाग की सुनते हैं हम अपना रास्ता भटक जाते हैं. आत्मा की सुनेंगे तो हमें सही दिशा मिलेगी और हमें पुरुषार्थ करने में मदद मिलेगी. सारी शक्तियाँ हम मनुष्य में ही समाहित हैं. सारे ब्रह्मांड की शक्तियाँ और ऊर्जाएँ हम मनुष्य में ही हैं. अगर हम इन्हें अच्छी तरह से उपयोग करेंगे तो हम पाएंगे कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है. हम अगर अपने आप को निर्बल पाएंगे तो हमेशा विफल रहेंगे. आप आत्मबल से मजबूत रहें, आत्मबल से निष्ठावान रहें तो हमेशा सफल रहेंगे. जय हिंद, जय भारत.